हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमर जोन। इलस्ट्रेटर CS6 के ट्यूटोरियल पार्ट 44 में आपका स्वागत है। और ये ट्यूटोरियल में हम ग्राफिक टूल के बारे में सीखेंगे, और ग्राफिक टूल का ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए, उसका टूल एक्टिवेट करने के लिए आपका कीबोर्ड शॉर्टकट J है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और नाम देंगे यूजिंग ग्राफिक यूजिंग ग्राफ टूल इन इलस्ट्रेटर CS6। उसका कीबोर्ड शॉर्टकट J है। 30 इंच बाय 30 इंच का हम हमारा आर्टबोर्ड का साइज रखेंगे। ये हमारा आर्टबोर्ड तैयार हो गया, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। ग्राफ टूल को एक्टिवेट करने के लिए हम जो है ग्राफ टूल के ऊपर माउस लेके जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्राफ टूल में बहुत सारे ग्राफ टूल अवेलेबल है। सबसे पहले हमारा ग्राफ टूल जो है वो कॉलम ग्राफ टूल है, उसके बाद स्टैक्ड कॉलम ग्राफ टूल है, बार ग्राफ टूल, स्टैक्ड बार ग्राफ टूल, लाइन ग्राफ टूल, एरिया ग्राफ टूल, स्कैटर ग्राफ टूल, पाई ग्राफ टूल एंड रेडर ग्राफ टूल। तो ये सारे ग्राफ टूल्स अवेलेबल है। आप इनको टीयर ऑफ भी कर सकते हैं। ये टीयर ऑफ हो गया, आप इनको यहाँ लाकर रख भी सकते हैं। तो वापस से मैं बताऊंगा टीयर ऑफ कैसे करना है। ग्राफ टूल के ऊपर जाएंगे और इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये टीयर ऑफ हो गया, बाहर आ गए सारे। सबसे पहले जो इसमें टूल है हमारा वो है कॉलम ग्राफ टूल। कॉलम ग्राफ टूल को क्रिएट करने के लिए उसको सिलेक्ट करेंगे और अपने आर्टबोर्ड में कहीं पर भी क्लिक करेंगे। ये हमारा एरिया पूछ रहा है कि इसका विथ कितना होना चाहिए और इसका हाइट कितना होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया है, 15 इंच, और इसका विथ होगा 15 इंच, इसका हाइट होगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है कॉलम ग्राफ टूल तैयार हो गई। अब इसके अंदर हमको वैल्यू देना है, तो वैल्यू देने के लिए हम सबसे पहले इसको वैल्यू देंगे एडोब इलस्ट्रेटर CS6 फोटोशॉप CS6। क्या एरर आ रहा है? कांट क्रिएट द ग्राफ, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन नंबर टू ग्राफ। ठीक है, तो एटलीस्ट एक नंबर आपको होना चाहिए, तो 1 1। ओके, तो ये दो हमारे ग्राफ से दो कॉलम हमारे तैयार हो गए। अब इसको हम और बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम किस चीज़ का ग्राफ तैयार कर रहे हैं। हम तैयार कर रहे हैं ग्राफ के सबसे पॉपुलर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर कौन सा है। पॉपुलैरिटी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। ओके, उसके लिए टी सिलेक्ट करके क्रिएट करेंगे, पॉपुलैरिटी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। इसको बड़ा करेंगे, यहाँ रखेंगे, सेंटर लाइन करेंगे, आर्टबोर्ड के भी सेंटर में करेंगे, यहाँ लाएंगे, ऊपर रखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, पॉपुलैरिटी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो इसे हम एक ग्राफ तैयार कर रहे हैं, कॉलम ग्राफ। उसमें हम बताएंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। ये बस एक मेरा अजम्पशन है, ये कोई रियल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये रियल जो है कोई डेटा नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपको ये देखना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है होता है, उसके लिए आप गूगल में जाके सर्च करें। वहाँ पे आपको एग्जैक्ट सर्वे डिटेल्स आपको मिलेगा। वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा इस्तेमाल होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। ओके, ये बस एक हम ऐसी सैम्पल के लिए मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, ये कोई रियल वैल्यूज़ नहीं है। ओके, तो इसमें हमारा सबसे पहले जो है हम हमारे कॉलम सेल का स्टाइल जो है हम डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल्स, कॉलम विथ हम रखेंगे 25। ओके, तो ये 25 का हमारा कॉलम तैयार हुआ। अब मैंने ऐड किया इलस्ट्रेटर फोटोशॉप। एक बात गौर करने की है कि मैंने इलस्ट्रेटर के पहले डबल कोट्स टाइप किया और फोटोशॉप के पहले डबल कोट्स टाइप किया। ये डबल कोट्स इसलिए है कि ये बताता है कि ये कॉलम का नाम है। ठीक है, ये डबल कोट्स अगर आप नहीं रखेंगे और इसको डिलीट करेंगे और फिर मैं एंटर कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ये डबल कोट्स से हमको पता चलता है कि ये कॉलम का नाम है। तो आपको डबल कोट्स आप ज़रूर जो है अपने कॉलम के पास, अपने कॉलम के नाम को देने के लिए डबल कोट्स आप ज़रूर रखें। ठीक है, कोरल ड्रॉ, इसको मैंने दिया 1। ठीक है, अब
अगर हम इसको यहाँ पे ऑप्शन एक हमारा ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज कर लिया हमने, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू सारी ट्रांसपोज हो गई। ठीक है, वापस इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ये ट्रांसपोज हो जाएगी, ये समझे आप ट्रांसपोज का। अब हम जो है और एक नाम देंगे, इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, अब हम देंगे इन डिज़ाइन, फिर हमने दिया कोरल फोटो पेंट, फिर हमने दिया, ठीक है बहुत हो गए इतने सॉफ्टवेयर, यस इसको हमने दिया 5। ठीक है, अब आपने देखा कि ये सारे नाम जो है सॉफ्टवेयर्स के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, उसके लिए हम फॉन्ट साइज छोटा करेंगे, 15 करेंगे या 25 करेंगे या 35 करेंगे, तो ये हमारा इलस्ट्रेटर ने कॉलम ग्राफ तैयार करके दिया। अब मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, जो एड एजेंसीज होती है और जो वेब डिज़ाइनिंग कंपनीज होती है और जहाँ पर एनिमेशन तैयार होता है, जो एनिमेशन फर्म्स होती है, एनिमेशन स्टूडियो होते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। कोरल ड्रॉ का भी यूज़ होता है, मगर मेरे ख्याल से इलस्ट्रेटर का यूज़ ज़्यादा होता है, तो इलस्ट्रेटर को मैं यहाँ पर देता हूँ 90 में से समझो 48% लोग इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, या समझो आप 38% लोग इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेटर ओपन करेंगे, हमने क्या किया अभी 38 इलस्ट्रेटर को दे दिया, तो 100 में से 38 हम डिडक्ट करेंगे तो 62 बसा, 62 में समझो, क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है वो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मगर कुछ लोग फ़ोटोशॉप के ज़रिए भी ग्राफिक डिज़ाइन बनाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के यूज़ के लिए फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ोटोशॉप को हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 15% देते हैं, 47 बचा, तो फ़ोटोशॉप को 15% दे दिया हमने। आप कोरल ड्रॉ जो है 47 में से समझो कोरल ड्रॉ को 28% लोग यूज़ करते हैं, तो ये 28 कोरल ड्रॉ को दे दिया। इसी तरह जिस तरह एडोबी का इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर फोटोशॉप है, इसी तरह कोरल ड्रॉ का इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर कोरल फोटो पेंट है, तो कुछ लोग कोरल फोटो पेंट भी यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, जबकि वो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो हम कोरल फोटो पेंट को दे देते हैं 5%, तो 19 में से 5 किया तो हमारे पास बचा 14, ठीक है, तो ये हमने दे दिया 5। ठीक है, अब हम अदर्स, अदर्स में बहुत सारे दूसरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर है, अदर्स में हम डाल देते हैं 14, तो ये हमारा एक ग्राफ तैयार हो गया जिसको कहते हैं कॉलम ग्राफ। अब ये कॉलम ग्राफ हमारा तैयार हो गया, अब हम इसको ट्रांसपोज कर ले तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, यस करें तो यहाँ, ये भी एक अच्छी चीज़ है डिस्प्ले करने के लिए, इलस्ट्रेटर ट्रैक में बता रहा है फोटो, तो ये सारे के कलर हम चेंज करना है अगर हमको, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ब्लैक पे सिलेक्ट करेंगे इसको, हम सबसे पहले इन सब का हम स्ट्रोक नन कर देंगे, स्ट्रोक इनका नन करेंगे, इसका भी स्ट्रोक हम नन करेंगे, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको रेड करेंगे क्योंकि अदर्स है, तो यहाँ पे अदर्स है, इसको रेड करेंगे आई ड्रॉपर टूल से, कोरल फोटो पेंट को मरून करेंगे, तो कोरल फोटो पेंट यहाँ पे है हमारा, कोरल फोटो पेंट किधर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे वापस से, यस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज 30 करेंगे, ये कोरल फोटो पेंट है, इसको रेड करेंगे, अदर्स को हम ब्लू करेंगे, कोरल ड्रॉ को ग्रीन करेंगे,
फोटोशॉप को हम ऑरेंज करेंगे और इलस्ट्रेटर को हम देंगे मजेंटा कलर। तो ये हमारा एक ग्राफ तैयार हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आप ग्राफ के अंदर कलर के बजाय सिंबल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार लिया, एक स्टार मैंने ड्रॉ किया। अब मैं विंडोज़ में जाकर मैं जाऊंगा सिंबल के अंदर, इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। एक तो यहाँ से मैंने एक नया सिंबल बना लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप इसको, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से एक सिंबल ऐड किया। आपको अगर ये सिंबल को यहाँ लाना है तो आप ग्राफ में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, न्यू डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि मैंने स्टार अपना सिलेक्ट करके रखा है तो ये मेरा स्टार आ गया, इसको मैं रीनेम करूँगा स्टार। ओके पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो ये मेरा स्टार तैयार हो गया। मैं अपने ग्राफ टूल, कॉलम ग्राफ टूल पे क्लिक करूँगा राइट क्लिक, और डिज़ाइन में जाऊँगा, सॉरी कॉलम में जाऊँगा। कॉलम में जाने के बाद मैं स्टार पे क्लिक करूँगा और वर्टिकली स्केल्ड करूँगा तो मेरा इलस्ट्रेटर का जो 35% लोग यूज़ कर रहे हैं, 38%, तो उसके हिसाब से मेरा इलस्ट्रेटर का हाइट जो है स्टार का बड़ा है, फोटोशॉप का उस हिसाब से हाइट है जितना उसका वैल्यू है। इसको और बहुत सारे ऑप्शंस है, वर्टिकली स्केल के बजाय यूनिफॉर्म स्केल करेंगे तो इलस्ट्रेटर सबसे बड़ा होगा क्योंकि इलस्ट्रेटर 38% है। वापस राइट क्लिक करेंगे, कॉलम में जाएंगे और रिपीटिंग करेंगे, और एक यूनिट हमको एक देना है तो 38 स्टार्स इसके अंदर ये जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा इलस्ट्रेटर का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारा 38 है। तो आप गिनेंगे इसके अंदर 38 स्टार्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 स्टार्स हमको मिले। इसी तरह फोटोशॉप के अंदर हमको 15 स्टार्स मिलेंगे, कोरल रॉ में 28 स्टार्स मिलेंगे। स्टार के बजाय आप कोई और डिज़ाइन आपको डालना है, जैसे कि आपको फ्लावर डालना है तो आप फ्लावर सेलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए, ग्राफ में जाइए, डिज़ाइन में जाइए, नया ऐड कीजिए डिज़ाइन, इसको रीनेम कीजिए फ्लावर, ओके कीजिए, ग्राफ सेलेक्ट कीजिए अपना कॉलम ग्राफ, और इसको डेटा को क्लोज कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, कॉलम में जाइए, फ्लावर सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, तो आपने देखा सारे फ्लावर्स आ गए। तो ये एक इलस्ट्रेटर की बहुत अच्छी खासियत है। अब हम चाहते हैं कि यूनिट 1.5 रखना है हमको, तो इसको 1.5 करेंगे और इसको हम करेंगे स्लाइडिंग, सॉरी इसको हम करेंगे रिपीटिंग, और स्केल डिज़ाइन में हम चॉपिंग करेंगे, चॉपिंग करना मतलब काटना। तो उसने वन अभी एक जो फ्लावर है अपना 1.5 यूनिट का है। ओके, तो ये आप समझ गए कि कॉलम ग्राफ टूल का इस्तेमाल किस तरह करना है। अब इस कॉलम ग्राफ टूल को हम डिज़ाइन में जाके इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक कीजिए, टाइप में जाएंगे, सॉरी डिज़ाइन के बजाय टाइप में जाएंगे तो इसका टाइप ऑप्शन ओपन होगा, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैक्ड कॉलम के अंदर। तो अब ये स्टैक कॉलम में कन्वर्ट होगा, सॉरी देख कुछ स्टैक कॉलम की बजाय हम इसको कन्वर्ट करेंगे बार कॉलम। तो बार कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कॉलम को सपोर्ट करेगा उस कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको सपोर्ट नहीं करता, इसको सपोर्ट करता है, मगर इसने सारी फॉर्मेटिंग हमारी इरेज कर दी, फ्लावर सारे हमारे चले गए। फिर हम इसको एरिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एरिया में कन्वर्ट हो गया, इसको हम स्कैटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्कैटर में कन्वर्ट हो गया। फिर उसकी सेटिंग के साथ आप खेले, जैसा आपको चाहिए वैसा इलस्ट्रेटर आपको बना के देगा। ये हमारा पाई में कन्वर्ट किया, डिज़ाइन में जाएंगे, सॉरी डेटा में जाएंगे और इसको ट्रांसपोज करेंगे, यस करेंगे तो ये हमारा तैयार हो गया। वापस इस पर राइट क्लिक करेंगे, पहले इसको डेटा को क्लोज करके टाइप में जाएंगे। अब लास्ट हमारा कौन सा है, लास्ट है हमारा रेडर, देखते हैं रेडर पे क्या इफ़ेक्ट आता है। ये रेडर आ गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो बेसिक आइडिया है ग्राफ टूल का किस तरह इस्तेमाल करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको और एडवांस में समझने के लिए जो है आप इसके साथ खेलते रहे, इसके ऊपर स्टडी करें, और
मेरी और एक डीवीडी आने वाली है जो एडोबी इलस्ट्रेटर CS6 की एडवांस ट्यूटोरियल्स उसके अंदर है। एडवांस जो बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़र्स के लिए है, उसमें एडवांस ग्राफिक डिज़ाइन आप कर सकते हो, और एडोबी इलस्ट्रेटर CS6 का एडवांस सारा इन्फॉर्मेशन उस डीवीडी में अवेलेबल है। तो आप वो डीवीडी भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।